हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्पर्जन, और जो डिस्पर्जन है वो क्या बताता है, वेरिएबिलिटी इन डेटा सीरीज। देखो क्या दिखाएगा, वेरिएशंस और वेरिएबिलिटी इन डेटा सीरीज। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपके ना एक डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, कुछ डेटा आपका ये ऐसे है, ऐसे डेटा है आपका, किसी कहीं कहीं पे डेटा है, और एक ये वैल्यू सिंगल वैल्यू जो सभी को रिप्रेजेंट कर रही है, बीच में कहीं ना कहीं आ रही है, आप ये समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्पर्जन, तो हम ये देखेंगे कि पहले दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो ये कि इस वैल्यू से ये सारी वैल्यू कितनी दूरी है, एक सिंगल वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हो बीच में, तो आपसे इन सबकी दूरी क्या है, एक तो ये कर लिया, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हर एक के साथ डिस्पर्जन देख लें हम, फॉर एग्जाम्पल एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, ये भी तो चेक कर सकते हैं, ठीक बात है नहीं। ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी आप जैसा भी चाहे वैसे डिस्पर्जन आप मेजर कर सकते हो। तो डिस्पर्जन क्या होगा, वेरिएशन होता है किसमें, आइटम्स के बीच में इन ए सीरीज। तो मान लो अगर 10 आइटम्स है, एक सिंगल वैल्यू मीन, मीन के साथ आप देख रहे हो, आप चेक कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपके पास, वेरिएशन हो, वेरिएशन को आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या होता है आपका डिस्पर्जन, ही आपको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब दो ध्यान से देखिए, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा की रिलायबिलिटी, डेटा की रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि आप डेटा आपका रिलायबल है या नहीं, आप डिस्पर्जन से बता दोगे। देखो आपको भी पता लग जाएगा, मैं एक एक ये चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना आप मेरे को बताना कि आपको कौन सा रिलायबल लग रहा है, और कैसे पता लगेगा, वो भी आपका माइंड काम करेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा हुआ कैसे है। ये देखो, ठीक है, और एक ये देखो, कौन सा रिलायबिलिटी सा लगता है आपको, मतलब क्यों लग रहा है, कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं है, नॉर्मल सा है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो देयर इज नो वेरिएशन या इक्वल वेरिएशन, दो का डिफरेंस है, यहाँ कभी 100 का हो गया, कभी फिर 100 का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 500 का हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन देगा, सबसे कम इफेक्टेड होता है, या ज्योमेट्रिक मीन से भी, अगर मैं मैथमेटिकल को तो ज्योमेट्रिक, अदरवाइज आप मीडियन या मोड लगाइए तो आपका सबसे बेस्ट अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मीडियन या मोड, मीन आपको पोजिशनल एवरेज पर एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, उसकी वो इसलिए क्या बोलते हैं वो इन मीन से सुपीरियर होता है बस इस केसेज में, ठीक है। अदरवाइज अगर मैथमेटिकल की बात करें तो आप ज्योमेट्रिक भी लगाइए, ठीक है, अदरवाइज आपका अभी ये देखो, अब आपको इसमें साफ दिख रहा है कि इसमें हर जगह 2 का गैप है, तो ये इसकी रिलायबल ये चीज़ें ज़्यादा, कि अगली बार आप इससे फोरकास्ट कर पाएंगे कि अगला क्या आएगा, क्या आएगा, ये कैसे फोरकास्ट करके पिछला ट्रेंड देख इसमें बता सकते हो आप, तो रिलायबल आपका ये सीरीज हो गई। आगे बात समझ में, दूसरा आपने देखा कि आप कंपेयर कर सकते हो वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज। अभी ये 2 सीरीज थी आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और दूसरी थी, तो आप उसमें ये बता सकते हो कि कौन सी ज़्यादा रिलायबल थी, एक में भी देख लिया आपने, 2 में भी देख लिया, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया। तीसरा अब देखो, ये जो डिस्पर्जन की जो जो भी आप निकालेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये अदर स्टैटिस्टिक्स का बेस होगा और कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए आपके लिए यूज़ होती है, ठीक है। और तीसरा आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी आपके ये यूज़ होता है। तीन तरीके के चार्ट बनते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, मीन चार्ट, ऐसे लिखते हैं मीन चार्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, और तीसरा आपका रेंज चार्ट। ये तीन चार्ट होते हैं जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या मतलब क्या होता है, जब आप दो तरीके से यूज होता है, एक तो डेटा की क्वालिटी और दूसरा मतलब स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा की क्वालिटी चेक करने के लिए, कि मतलब आपका डेटा रेलेवेंट है या नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा जो एक्चुअल में जो आपका को उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, उसमें आप एक्चुअल में जो क्वालिटी देख रहे हो उसमें भी आप ये देख रहे हो, क्योंकि जैसे आपने ये देखा कि हमारी क्वालिटी इस रेंज की होनी चाहिए क्वालिटी, तो अभी देखोगे कि आपका क्वालिटी का स्तर ये है, तो इस रेंज में आपकी क्वालिटी आ रही या नहीं, रेंज चार्ट बता देगा, मीन चार्ट बता देगा कि आप इस रेंज में आ रहे हो, इस मीन क्या आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, डेविएशन कितना आ रहा है, तो तीन चार्ट यूज होते हैं आपके, ठीक है। तो ये तीन अगर आपसे कभी एग्जाम में आ जाए ना, कभी मतलब जैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो तीन ही चार्ट होते हैं, मेन चार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट और आपका रेंज चार्ट, ठीक है।
तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिलायबिलिटी, वेरिएबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेजर का बेस होता है और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी। दो तरीके का होता है आपका डिस्पर्जन, एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट, दूसरा आपका होता है रिलेटिव। व्हाट इज एब्सोल्यूट, देखिए अब दोनों में फर्क समझिए। पहले तो आप बताइए मुझे व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, देखो जो आपका एब्सोल्यूट डेविएशन है वो इस तरीके से होता है। एब्सोल्यूट देखो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि आपकी इनकम क्या है, मैंने कहा एक्स की इनकम कितनी है, तो एक्स ने कहा कि मेरी तो इनकम है रुपीज 1000। ठीक है, और वाई ने कहा मेरी इनकम है रुपीज 500। एंड व्हाट इज द डिफरेंस रुपीज। अब देखो यहाँ यूनिट क्या थी रुपीज, और यहाँ पे भी क्या थी, और रिजल्ट किस में आया, तो ये तो क्या हुआ एब्सोल्यूट डेविएशन, सेम यूनिट में रिजल्ट आएगा। और रिलेटिव डेविएशन क्या होगा, देखो रिलेटिव ऐसे बना कि जो एक्स की इनकम है ट्वाइस है वाई की इनकम के, रिलेशन के साथ बताया गया है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वाई की इनकम 50% है एक्स की इनकम, यानी रिलेशन रेशियो में बता रहा आपको, परसेंटेज में बताएगा, रेशियो में बताएगा, टाइम्स में बताएगा, यानी कि इसी के साथ रिलेशन बता दे तब तो वो क्या होता है रिलेटिव। अगर सेम यूनिट में रिजल्ट आ रहा है तो वो आपका होगा एब्सोल्यूट डेविएशन। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, ओके, जैसे सेम यूनिट में जैसे मैंने यहाँ लिखा केजी, आपका यहाँ पर टन्स ईयर्स एन में आ रहा है, तो रिलेटिव में आप उसके साथ कहीं ना कहीं आप मेजर करोगे कोफिशियंट्स में। ठीक है, ओके, दूसरा है आपके पास कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज रेंज, सबसे इजीएस्ट मेथड आपका रेंज। कौन कौन से रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन, फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिफ्थ आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ, सिक्स्थ आपका लोरेंज कर्व। ये छह हैं, देखो याद रहे जिनके, ये देखो रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली क्या है कि सेम यूनिट में रिजल्ट देगा। भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। और ये सारे के सारे एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट मेजर है। यहाँ क्या लिखा है कोफिशिएंट, एंड कोफिशिएंट क्या होता है कि कितने गुना, कितने टाइम्स, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन गया रिलेटिव मेजर। कोफिशिएंट जहाँ वर्ड आ जाए आप कहेंगे कि ये तो रिलेटिव मेजर बन गया। कोफिशिएंट तभी निकलेगा जब किसी के साथ रिलेशन करोगे, अदरवाइज कोफिशिएंट निकल ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 100 से 200 पे गया, डिफरेंस कितना आया 100 का, और मैं कहूं कि चेंज कितना आया, तो आप लिखोगे 100 डिवाइड में 100, तो यानी 100% चेंज। जब रिलेशन करोगे तभी पता लगेगा। ठीक है, अब 100 का चेंज आया कहाँ से आया ये पता लगेगा, तो मतलब आप मतलब रिलेशन बनाओगे तभी पता लगेगा, अदरवाइज नहीं। सीधा 100 पता लग गया कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, कि आपने 100 में से 200 में से 100 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एब्सोल्यूट है। लोरेंज का वो भी हम देखेंगे आगे, अभी देखो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज होता क्या है, देखो रेंज आपका बताएगा कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें उसका डिफरेंस आपका रेंज होता है। मतलब इतने की रेंज है, मतलब आपके हाईएस्ट मार्क आए, मतलब आपकी क्लास में वो आए मान लीजिए 80 मार्क्स, और मिनिमम मार्क्स आए 30 मार्क्स। एंड व्हाट इज द रेंज 50, मतलब 50 मार्क्स की रेंज हो गई कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है इन 50 नंबर के बीच में आ रहे हैं। रेंज का मतलब समझ में आ गया, रेंज का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा चीज़ें आती है। ठीक है, जैसे कि वाईफाई है आपका, वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है, तो वाईफाई कहाँ तक रेंज देता है, कि रेंज नहीं आ रही, तो वो रेंज का मतलब क्या है कि कहाँ तक आपका ये नेटवर्क पॉसिबल कर रहा है। कहते हैं कि 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, 30 मीटर तक, तो ये क्या बोलोगे आप रेंज। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब ये तो क्या था आपका, ये क्या था आपका एब्सोल्यूट। अब यहाँ क्या लिखा है एंड व्हाट, अब ये क्या बन गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव। जिसके आगे लग गया कोफिशिएंट वो अपने आप ही क्या बन जाएगा रिलेटिव। तो ये कैसे निकलेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड में लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट। समझ में, रेंज का कोफिशिएंट कि किस रेट से ये, मतलब कितनी रेट में ये चेंज आ रहा है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया ये भी देख लिया आपने, ओके वेरी गुड। उसके बाद देखो अभी इसका जो मेरिट है, देखो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है क्योंकि ये रेंज चार्ट मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी देखो रेंज चार्ट से आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो, रेंज बता देना कि इस रेंज में प्रोडक्ट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है,
ओके, डीमेरिट क्या क्या है, ये सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज लार्जेस्ट देखी, देखो ये देखो आपके पास सीरीज में क्या आया, आपकी सीरीज है 2, 8, 9, 10 और कुछ लगा के 1000 आइटम और लास्ट में लिख दिया 1000, आपको क्या चाहिए लार्जेस्ट माइनस, ये कोई वैल्यू मैटर नहीं करता, ये आइटम क्या थे, आप सीधा देखोगे 1000 माइनस में 2 यानी 998 की आपकी रेंज हो गई, तो सभी पे तो बेस है नहीं, ये डीमेरिट होगी। दूसरी बात देखिए, अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपल में चेंज कर दिया ना तो इस पर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपने 1000 वाला सैंपल है ना, इसको हटा दिया, इससे पहले 800 वाला था, फर्क पड़ गया बिल्कुल है ना, अभी रेंज बहुत कम हो गई, तो ये अब ये देखिए सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से इस पर फर्क पड़ गया। एक और सैंपल ऐड कर लिया 2000 का, रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद होता है ओपन एंडेड सीरीज में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको डेटा चाहिए, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिख दिया लेस देन 5, पता नहीं लगेगा कितना है लेस देन 5, इधर भी पता नहीं गया, तो ओपन एंड सीरीज में नहीं लग सकता, आगे समझ में। उसके बाद आया आपके पास इंटर क्वार्टर रेंज, देखो आपको पता है कि क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में क्या 1 क्या 3 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्या 1 क्या 3 मतलब इस तरीके से, ये देखो ऐसे होता है, ये कहीं ना कहीं आपने जब बीकॉम में था तो आपने ये बना देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा है या नहीं बताना, सही देखा है, देखा है स्टैटिस्टिक्स में, देखना आपने, पढ़ी नहीं आपने कभी, या तो दूसरे तीसरे चैप्टर में आपका आ जाता है, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। कैसे देखिए, ये तो रहा आपका 25% का अपर, ये रहा आपका 25% का डाउन वाला, यानी ये क्या हो गया आपका Q1 और ये क्या हो गया आपका Q3, Q1 में आता है 25% आइटम और Q3 में 70, और ये जो बीच में जो एक लाइन बनेगी ये क्या बनेगा आपका मीडियन, व्हाट इज मीडियन 50% आइटम, 50 नीचे 50 आपके ऊपर, तो ये टोटल रेंज, ये टोटल आपके हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से ये Q3 आ गया, ये Q1 आ गया, एंड क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल, तो इंटर क्वार्टाइल आपके पास एक तो ये है और एक आपके पास ये है, बात समझ में आई आपको, तो Q3 माइनस Q1 ये आपके पास क्या आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज, आगे समझ में क्या आ गया आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकाली, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस में Q1, आपको समझ में आया ना कि थर्ड में से दो ही आपके हमारे पास यही होते हैं, चार होते हैं, चार में दो कैलकुलेट होते हैं, एक मीडियन हो गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है कोफिशियंट, देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाए तो ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना जहाँ पे भी कोफिशियंट आ गया ना वो आपका रिलेटिव हो गया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मेनली तो एचपीसी जैसी चीज़ों में आते हैं, आपके इसमें भी आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें हैं। अगर इसके आगे निकल जाए कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या बात कर रहे हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन, पहले देखो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्वार्टाइल ये तो क्वार्टाइल रेंज निकल गई, क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा Q3 माइनस में Q1 डिवाइड में 2 निकल गया, आपको एवरेज कर लिया आपने, ये आपका आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। दूसरी चीज आई आपके पास इंटर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कोफिशिएंट निकालना है तो आपको पता ही है Q3 माइनस में Q3 प्लस में आपके पास आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो कोफिशियंट होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस रेंज में आएगी वैल्यू बताइए, नहीं वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 3 या इस तरीके से बताओ, -1 to -1 रेंज आएगी किसके किसके बीच में आएगी, किसके बीच में आएगी बताओ, देखो 0 से के बीच में आएगी, ठीक बात है 0 से 1 के बीच में, पहली बात कैसे आएगी, ये ज्यादा होगा Q3 में आइटम ज्यादा आएंगे, Q1 में आपके
कम आएंगे, ठीक बात हो गई। Q3 प्लस में Q1, अब ये इन दोनों का टोटल नीचे आ रहा है और इनका डिफरेंसेस ऊपर आ रहा है, तो ये वैल्यू तो कम हो गई ना, और ये वैल्यू आपकी, तो आपके पास क्या आएगा, 0. समथिंग आएगा, समथिंग है ना, तो 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक बात है। ओके आ जाओ, आपको ये कैलकुलेट करने आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ये कोफिशियंट अगर आपने लिख दिया है तो आप समझेंगे ये आपका क्या है, रिलेटिव। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना ये चीज़, आपका क्या होगा, ये रिलेटिव मेजर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा, क्वार्टाइल वाला, बताइए, सोचो। जैसे आपका मीडियन होता है ना, जैसे मोड होता है, ऐसे क्वार्टाइल होते हैं, डेसाइल्स होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोजिशन बेस काम करते हैं। 90% कौन सा आइटम उसको उठा रहा है ये, उसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ा, तो एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डेसाइल्स मतलब 10वां पार्ट, क्वार्टाइल मतलब 25वां पार्ट, मीडियन मतलब 50वां पार्ट, समझ में आई मेरी बात, तो इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, एक्सट्रीम वैल्यू का, ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या है आपके पास, पहली बात तो ये ऑल ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं होता, क्या पे कहाँ पे गया पा इंटर क्वांटाइल पे, कि आप एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा आपके पास आया कि ओपन एंडेड सीरीज में आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 50% आइटम चाहिए, लेस देन को छोड़ दो, मोर देन को छोड़ दो, वैसे भी निकल जाए, मीडियन नहीं निकल जाता उसे, तो इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो होता है रेंज से ज़्यादा सुपीरियर है और रिलायबल है बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीम वैल्यू एंड ओपन एंडेड सीरीज, ठीक है। ये इतना ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होता, 50% के बेसिस पे होता है, इसकी मेरिट भी है डीमेरिट भी, कि सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं है तो डीमेरिट हो गई, 50 बीच वाली 50 ले लेता है, तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा सैंपल कलेक्ट हुआ है, तो ये इसकी मेरिट बन गई, समझ में आई बात। 50 पे बेस्ट, 50 पे आपने क्या किया, जो अच्छी अच्छी बीच वाली जो 50 वो ले ली, तो अच्छा बन गया सैंपल, और यही डीमेरिट बन गई कि 25 छोड़ दी, ये डीमेरिट बन गई, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं होता। फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का कोई अफेक्ट पड़ेगा नहीं ज़्यादा, ऊपर वाली नीचे वाली कोई चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई गुड मेजर नहीं है जब आपकी वेरिएंस इज कंसिडरेबल। देखो अगर एक सीरीज है और उसमें ना, जैसे अभी मैंने कहा था डिस्पर्जन ऐसे मेजर किया जा सकता है 1-2 मीन के साथ या एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, एक सीरीज में हर एक के साथ वेरियंस आपको मतलब देखना है, अगर वो इंपॉर्टेंट है ना तो ये आपका फेल हो जाएगा। जैसे अभी इसमें क्या लिख रखा है, डिस्पर्जन व्हेन इन सीरीज वेरिएंस इज कंसिडरेबल, सीरीज में हर एक के साथ वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, तभी आपका फेल हो जाएगा पूरा, ठीक है। आगे समझ में कि दो समझ में, अभी तक हमने पढ़ा है रेंज और दूसरा कौन सा पढ़ा है, इंटर क्वार्टर रेंज, रेंज और दूसरा आपका इंटर क्वार्टर रेंज। तीसरा आपके पास आ गया मीन डेविएशन। अब ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी मीन उसकी, मीडियन की, वो प्रॉपर्टी याद करो, कुछ एब्सोल्यूट डेविएशन से रिगार्डिंग थी, कुछ क्या थी, मीडियन से आपका वैल्यू क्या आएगी अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हो तो, याद है कुछ, कुछ इस तरीके से किया था आपने, ऐसे लिखा था एक्स माइनस में मीन और फिर लिखा था एक्स माइनस में मीडियन और उसके साथ क्या करना है मॉड्यूलस। अगर ये ऐसे ही रखोगे ना, अगर मान लीजिए वैल्यू x माइनस मीन इसका सम करोगे तो ये तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 आएगी, पढ़ा था आपने। लेकिन अगर आपने इसका क्या कर दिया मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन या मीन डेविएशन। अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हो यानी प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे हो तो मीडियन से क्या वैल्यू आएगी, कम। ये एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज मिलेगा, ऐसे देख लेना, है ना। अगर ये वैल्यू है तो ये क्या मिलेगी, कम मिलेगी, किससे, समीशन एक्स माइनस मीन इसका मॉडुलस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, जिसको हमने कहा एवरेज डेविएशन, और आपका एब्सोल्यूट डेविएशन, प्लस माइनस आपके क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। ये मीनिंग आपको क्लियर है, आप किसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये मीडियन से बेस्ट होता है, किससे बेस्ट होता है, मीडियन से, क्योंकि इसका क्या आएगा, मिनिमम आता है, हम ये पहले कर चुके हैं, मिनिमम आएगा आपका, अगर आप डेविएशन ले रहे हो तो इस मीन से आप मीडियन से आपका कम आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन ऑफ मीन तो निकलेगा समीशन, ये तो आप कैलकुलेट कर ही चुके थे, डिवाइड में एन, और मीडियन से निकाल रहे तो डिवाइड में आपका एन, लेकिन ऊपर आ जाएगा
मीडियन, ठीक है। अगर आपको निकालना है कोफिशियंट तो सिंपल सी बात है, इसको नीचे ले आओ, जैसे मीन से ले रहे हो तो मीन आ गया, मीडियन से ले रहे हो तो मीडियन नीचे चला गया। मोड से निकाल सकते हो, बट ज़्यादा प्रेफरेंटली किसे निकलेगा ये, मीडियन से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है, ठीक है। आई बस समझिए, तीनों स्टैटिस्टिक से निकल जाएगा, बट इट इज़ यू जो मतलब जो आपका बेस्ट मेजर है वो मीडियन से है, और उसका पीछे लॉजिक है किसे वैल्यू आपकी डेविएशन आपका कम आएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये था आपका मेन डेविएशन। अब एक और चीज़ आई आपके पास, सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये सब आप बता सकते हो, कोई नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसका मेन आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कॉल पियर्सन ने इसको डेवलप किया है 1893 में। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया इंपॉर्टेंट यहाँ से, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको डिफाइन नहीं करना आता बच्चों को, इसको क्या नहीं करना आता, डिफाइन। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, हाँ जी, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इस फॉर्मूले पर आप ध्यान रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले पर आप बनाएंगे, ठीक है, जैसा ये कहेगा वैसा। इसको देखो कैसे बनाए, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट, ये लिखा मैंने स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, अभी किससे बनेगा, देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू टेकन फ्रॉम द मीन, यानी कि आपने ये वाली वैल्यू, ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, ये देखो ये लिख रखा क्या है, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, कहाँ से लेना है, ऑफ द वैल्यू टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन के साथ लेना है। और क्या लेना, अरिथ ऊपर देखो, ऊपर भी लिखा है कि ये आपका अरिथमेटिक मीन है, क्या आपका अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन लिखोगे तो नीचे एन आ जाएगा, समझ में आई बात। देखो स्क्वायर रूट है आपका, किससे लेना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ दी, ये अरिथमेटिक मीन तो ये पूरा हो गया इसका निकाल के, उसके बाद कहाँ से लेना है ये जो वैल्यू, अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, डेविएशन कहाँ से लिया, मीन से डेविएशन। देखो डेविएशन कहाँ से ले रखा है, मीन से लेना है, यानी ये कह रहा है कि ये जो x है, x में से ये जो मीन किया है ना, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये डेविएशन आ गया, और डेविएशन को आपको क्या करना है, स्क्वायर, और इसका सम करना है, एंड देन आपके पास इसका एवरेज लेना है, और यही तो रिजल्ट है आपके सामने, ये इसकी डेफिनेशन है। कॉल पियर्सन ने दिया था 1893 में, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये बताओ क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, एब्सोल्यूट, सिंपल सी बात है, आपने कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, कहीं रिलेशन भी नहीं दिख रहा किसी के साथ, तो ये क्या हो गया आपके पास, एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक, बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जब आप इन्फ्रेंशियल पढ़ेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंट है, अगर एन की वैल्यू 30 से कम हो गई तो एन माइनस वन यूज करेंगे हम, क्योंकि आपका सैंपल साइज स्मॉल हो गया है, एंड देन आप यूज करते हैं एन माइनस वन, ठीक है, इतना ही समझो अभी एक बार, वहां मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इनमें डिफरेंस देखो, एक ये मेन डेविएशन पढ़ा आपने, दूसरा कौन सा पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देखो इसमें क्या डिफरेंस है, आप ना जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो प्लस माइनस इग्नोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपने आप ये प्लस माइनस अपने आप स्क्वायर करेंगे ना तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या लिखा आपने, प्लस माइनस इग्नोर होता है मेन डेविएशन में, यहाँ आपको इग्नोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक एक बात समझते चले जाना अच्छे से, ठीक है। मेन डेविएशन आप तीनों से निकाल सकते हो, मीन से भी, मीडियन से भी, और आप मोड से भी, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमेशा किसे कैलकुलेट होगा, और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और लॉजिक है वो ये, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, ये आप कर चुके हो ना, ये सब एक एक प्रॉपर्टी आप पीछे कर चुके हो, मतलब कि विद वेरिफिकेशन कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। और देखो मीन डेविएशन का कोई फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके लिए, ठीक है। ये तो आया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की ना कुछ प्रॉपर्टी है ये रही आपके पास, वेरिएंस भी पढ़ेंगे, उससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी, अगर आपको एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 1/12/n, जैसे अगर 1000 का लेना है तो 1000 का स्क्वायर डिवाइड माइनस में 1 इसका स्क्वायर रूट ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, 1/12 एन स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अगर आपको कंबाइन निकालना, ये देखो आते नहीं है एग्जाम में ये चीज़ें, इतना बड़ा कोई उपागल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना तो डेविएशन के साथ निकाला आपने तो डेविएशन चाहिएगा, स्क्वायर रूट, ये n1 लिखा, ये क्या लिखा,
इसको बोलते हैं वेरियंस, क्या बोलते हैं? और वेरियंस देखो, पहले तो वेरियंस समझा देता हूँ। ये अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसका क्या कर दो, स्केयर कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, वेरियंस। पहले बात, हम दोनों क्यों कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से देखिए, एक तो ये वैल्यू देखो और एक ये वैल्यू देखो, इसका स्क्वायर किया है ना मैंने, ये तो आपको बता रहा है कि यहाँ भाई 0.8 का गैप है और ये कह रहा है 0.64 का गैप है। तो ये अगर आपको माइनर से माइनर भी अगर आपको चेंजेस देखना है ना, तो आप किस पे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल पर जाके, तो वेरियंस पे जाइए, नॉर्मल सा चेक करना है तो आप उस पर देख लीजिए, ठीक है। एंड वेरियंस आपका बिल्कुल मतलब डीप में जाके आपको रिजल्ट बताएगा कि हाँ भाई ये गैप है, ठीक है। तो ये देखे आपने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया कि वेरियंस का अगर आपने क्या कर दिया, रूट कर दिया, वेरियंस का क्या कर दिया, रूट, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये वेरियंस था, इसका रूट हो रहा है, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा। वेरियंस था, इसका स्केयर हो रहा है, रूट हो रहा है, इसी तरीके से डेविएशन का स्केयर, क्योंकि ये तो आपको चाहिएगा, ये भी हो गया एन वन प्लस में एन टू, आपका निकल जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पहले वेरियंस के साथ मल्टीप्लाई, फिर आपका डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड में एन वन प्लस में एन टू, बट ये एग्जाम में आएगा नहीं, डोंट अभी कोई फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस सुनना है आपने कि ऐसा होता है, ठीक है। ये आपने वहाँ पढ़ ही लिया था मीन की प्रॉपर्टी में, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट, पढ़ा था सम जो किया था, कैसे ऐसे भूल रहे हो आप, मीन की प्रॉपर्टी, एक ये निकाला था आपने, एक ये निकाला था, आया कुछ आपने, उसके बाद क्या कहते हैं, इसका जो स्केयर किया था ये आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, करके देखिए था आपने एज कम्पेयर टू मिनिमम, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने ओरिजिन और स्केयर की, मेन की क्या पढ़ी थी आपने, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, सभी पे चाहे मीन चाहे प्लस माइनस हो, चाहे आपके मल्टीप्लाई डिवाइड हो, सभी पे आपका डिपेंडेंट होता है मीन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ना ओरिजिन ओरिजिन के साथ तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप पर उसका फर्क पड़ेगा। याद रखिए प्रॉपर्टी मीन की, मीडियम इसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये प्रॉपर्टी सेम आगे भी पढ़ोगे आप अभी रिग्रेशन के साथ, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और बात आती है एरिया की, उसमें पढ़ेंगे हम वहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैं ये कहता हूँ ये ना रोहतक है, ये प्लेस रोहतक है, बीच में जो लाइन दिख रही है, ठीक है। और मैंने कहा कि रोहतक की 10-10 किलोमीटर आप ले लो, तो ये बात ठीक है कि सिटी से जब भी आप 10-10 किलोमीटर चारों तरफ लेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा और रेंज बढ़ाओ, आप 20-20 किलोमीटर और ले लो, 10-10 के बाद 10 और ले लो, ठीक है, तो और पॉपुलेशन और गांव आ जाएंगे। फिर मैंने कहा 10-10 किलोमीटर और ले लो, तो और भी पॉपुलेशन आ जाएगी यार, ऑलमोस्ट 30-30 किलोमीटर में आपका रोहतक कवर हो जाएगा, इस तरीके से है ना, सिटी से 30-30 किलोमीटर में चारों तरफ चलेंगे तो आपका रोहतक कवर हो जाएगा, तो मोस्टली पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी, तो ये आपकी रोहतक सिटी। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में कैसे काम किया, ये मैंने ऐसे लिखा और मैंने यहाँ लिखा, ये तो देखो आपने यहाँ पर पता है इस पॉइंट पे ना मीन होता है, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, बाकी मतलब मीन है आपका सेंटर है, रोहतक सिटी की रोहतक का सेंटर है। एंड देन आपने कहा कि मीन में प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब थोड़ा सा और ले लो डेविएशन, जैसे मैं तो बस जैसे आपको कहा कि मैं तो रोहतक में रहता हूँ या रहती हूँ, आप बोलो प्रॉपर रोहतक से फिर नहीं, कोई गांव है मेरा कितने किलोमीटर, बोलो 7-8 किलोमीटर, यानी आप इस रेंज में आ गए, बात समझ में आई आपको। दूसरी देखो आपने थोड़ा सा कहा कि मैं और मैं आपने थोड़ा एरिया और बढ़ा दिया, आपने क्या ये 10 किलोमीटर थे 20 किलोमीटर, तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया तो और डेटा आ जाएगा, और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया जाए तो आपके पास और डेटा आ जाएगा, ठीक बात है ये, मतलब ज़्यादा लोग आएंगे ना, पहले इतना एरिया था फिर बढ़ता चल जा रहा है एरिया तो ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस केसेज में ना आपके पास आते हैं 68.27% आइटम, यानी 68% लोग आपके रोहतक सिटी में ही रहते हैं, और होता भी है,
ठीक है ना, ज्यादा लोग सिटी में रहते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो यानी मोस्टली वैल्यू आपके मीन के पास होती है। तो ये जो मीन रही आपके पास, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के, दिख रहा है ना, वन स्टैंडर्ड डेविएशन के पास आपने किया कि मीन प्लस में टू स्टैंडर्ड डेविएशन एरिया, तो मोस्टली आपकी पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी। मतलब 95% आदमी इस रेंज में आ गए आपके। और अगर हम तीन स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया ना, तो ये देखो, मतलब समझ में आया आपको कि सारे लोग आ गए, इतना ही 30 किलोमीटर रेंज होगी। अब देखो आप खुद, मीन के पास ज्यादा लोग रहेंगे रोहतक के बाद, रोहतक के आसपास आने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया, सेकंड पे देखो लोग आ गए। समझ में आए ना, कंसेप्चुअल बात समझ में आनी चाहिए कि मोस्टली वैल्यूज आपकी मीन के पास होती है। थोड़ा थोड़ा आप गैप करते चले जाओगे, सारी पॉपुलेशन को कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, मैं वहां पे आपसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा नहीं जब मैं वहां पढ़ता रहूंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आपको, ये वाली बातें क्यों आ रखी है, और इस पर आप अपना ग्राफ भी बना लेना, ठीक है, आपके में नहीं है तो ठीक है। एक और बात, तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है, किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, केस याद रखना, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रहे इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, ये लिखा मैंने क्वार्टर डेविएशन, ये मैंने लिखा मीन डेविएशन, और ये मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो आप ध्यान से देखना इसको ना, कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और आज आपको मैं सारे ऑलमोस्ट करवा दूंगा कैसे कैसे आते हैं। ये होता है आपका 2/3 किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये इसको वापिस से करके, ये मैंने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मीन डेविएशन होता है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये होता है आपका 1। एक तो ये रिलेशनशिप होगी, जब इसको आपने एलसीएम लिया तो इसका रिलेशनशिप आया 10, 12 और सोल्व कर सकते हैं ना, हाँ ठीक आ रहा है ना, ऐसे ही आएगा ना, तीनों का रिलेशनशिप आया 10, 12 और 15। एक ये तो समझ में आ गया, एक ये बताना। अब मैं ना इसमें रिलेशनशिप देख रहा हूँ, क्वार्टर डेविएशन और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन और ये 2/3 है, ये आपका 1 है। तो मैं देखो एक तो ये चीज लिख सकता हूँ, देखना, ठीक बात है ये, और ये वाली, ये वाली 2/3 है ना, देखो 150 3 हो गए, 100 में हो गए, ये भी ठीक है। आप आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर एग्जाम आए तो कैसे लिखोगे। इसी तरीके से आप अभी तो मीन डेविएशन के साथ बता सकते हो, मीन डेविएशन के साथ कैसे बता सकते हो, बताओ बताओ क्या कह रहे। इसी तरीके से मीन डेविएशन में बनाइए, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाइए, शाबाश। अभी दो के तो समझ में आ गया, क्वार्टर डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको समझ में आ गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की देख रहा हूँ, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। मीन डेविएशन आपका है 4/5 और ये आपका 1। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो ये आपका हो गया 80% और ये आपका 100%, ठीक बात है। 4/5 इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, 1 का 80% और आपका 100। अब मैं इसका इसका देख रहा हूँ कि मीन डेविएशन के ये कितने गुना है, ऐसे भी तो रिलेशन आ सकता है ना। मान लो इसको मान लिया आपने पूरा 1, इसको कितना मान लिया पूरा 1, यानी 80 को आपने 1 माना है, तो ये कितना है आपके पास, ये देखो, मान लो इसको मान लो आपने 100 मान लिया, इसको 4/5 को, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 4/5 है आपका 1 के इक्वल, मतलब 100 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपकी होगी जैसे 125। आप सिंपल सा भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका ये कितना है, ये अगर 4 पार्ट है तो ये 5 पार्ट होंगे, नहीं आई समझ में, हाँ 5/4 कर दो, टोटल निकल जाएगा ना इसका, क्योंकि देखो ये क्या है, 4/5 है इसका, किसका है 4/5 इसका, ठीक है। तो ये क्या होगी, 5 वैल्यू हो गई आपकी। तो सिंपल सी बात, अगर ये आपका 100 है तो मल्टीप्लाई करो 4/5 के साथ, नीचे लिखो 4, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आई बात समझ में। एक ये चीज समझ में आ गई है ना, अब और भी चीजें समझो। अभी एक ये वैल्यू भी ठीक है, जैसे इन्होंने बोला वो 120 और 150, लेकिन वो तीनों के साथ रिलेशन करेंगे ना तभी हो सकती है। जैसे इसको अगर आपने मान ला क्वार्टर डेविएशन, आपने पढ़ाया है क्वार्टर डेविएशन में रिलेशनशिप होता है 10, 12 और आपका मीन डेविएशन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका क्या बनता है 15, ये रिलेशनशिप है। तो इसको मान लो 100, इसको मान लो 120 और इसको मान लो, तब ये रिलेशनशिप ऐसे बनता है, तभी तो 10, 12, 15 आता है ना, तभी तो 10, 12, 15 आता है ना।
अब इसमें से ना कैसे भी रिलेशनशिप आया आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये मत समझना कि तीनों को ही आएगी, दो की भी तो आ सकती है ना। बात आया कि क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या रिलेशनशिप होती है, तब आप देखो इसमें रिलेशनशिप है 10-12 की, तो 10-12 कैसे रिलेशनशिप में आएगी। आप ये देखो परसेंटेज फॉर्म में निकाले तो इसका ये कितना परसेंटेज है, 10-12 का कितना परसेंटेज है निकाल दोगे, कितना है 1000 डिवाइड में 12 कर लो, ऐसे देखा 10 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई 100 ऐसी कभी ना, 1000 बन गया, 1000 डिवाइड में 12 इतना कुछ बन रहा है 83.3। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या समझाने का, रिलेशनशिप इसकी किसकी, क्वार्टर डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसकी मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्वार्टर डेविएशन और मीन डेविएशन की। हाँ यही तो पूछा है इनकी रिलेशनशिप कैसी है परसेंटेज में, तो यही तो बताया कि अगर ये आपका 10 है डिवाइड में 12 है, ऐसी तो है 10-12 मल्टीप्लाई 100। रिलेशनशिप कैसे भी आए आपको किसी भी फॉर्म में आए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं कराया। स्टैटिस्टिक्स में एक इस बार भी आपने देखा कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं तो अगली बार भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतने तरीके से स्टैटिस्टिक्स को करते हैं, ठीक है, हर एक एंगल से हम उसको सोल्व करके दे देंगे आपको, ठीक है। 10-12-15 एक कॉमन रिलेशनशिप है, जैसे मीन मीडियन मोड में जेड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसको कैसे घुमा लो आप, इसको भी कैसे घुमा लो, ठीक है, कर दोगे सोल्व। मेन रिलेशनशिप याद रखना 10-12-15 या 2/3, 4/5, 1 इनके बेसिस पे आप पूरा सोल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास भाई क्या, रिलेशनशिप निकाल दी, इसके बाद मेरिट आई, मेरिट में क्या आया कि सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे है, मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरिट देखो ये भी आपका एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन पे अगर जो आ गए ना वो एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूज होने वाली कंसेप्ट है सी वी, और सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला भी कंसेप्ट यही है सी वी। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जब एवरेज निकाल रहे थे ना तो आपने कहा कि मीन सबसे बेस्ट एवरेज है, सेम उसी तरीके से हम ये निकाल रहे हैं ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपका हो जाता है रिलेटिव मेजर। देखो कैसे ये किस में रिलेशनशिप बनाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन में, ठीक है, समझ में आएगा। आप इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी मदद से आप डेटा की वेरिएबिलिटी, दो सीरीज यहाँ पर ना कंपेरिजन होगा दो सीरीज के बीच में, उनमें वेरिएबिलिटी, उनकी होमोजेनिटी, ठीक है, उनकी यूनिफॉर्मिटी, उनकी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, आप ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या वो दो सीरीज में कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो अब आपके सामने आया, अब ये जो T20 वर्ल्ड कप देख रहे हो, कौन कौन देख रहे हो, किसी का इंटरेस्ट है या नहीं, नहीं है, चलो कोई नहीं, आपके अपने तो मार्क्स होंगे ना, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं, आपके मार्क्स पब्लिक नहीं करते, आप ऐसे ही मान लेते हैं, एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है, ठीक है, आपने बताना कि इसमें से कौन सा आपके लिए रिलायबल पर्सन लग रहा है। एक्स एक्स के ना ये मैंने लिखा 10th, ये 12th, ये उसकी बीकॉम भी करा दी हमने और ये उसकी एमकॉम करा दी, 4 क्लासेस करा ली, उसके 10th में परसेंटेज थे 65, उसके 12th में परसेंटेज, आपने भी बताना कि यहाँ पर कौन सा पढ़ने वाला बच्चा, इतनी बात बतानी है। इसके ना यहाँ पर 68 परसेंटेज था, इसके यहाँ पर आपके आए 66 और इसके यहाँ पर एमकॉम में आ गए मान लो 70%, ठीक है। अब ये देखो वाई, इसके ना 10th में तो आए भाई 98%, ठीक है, प्लस टू में आए इसके कितने 52%, बी कॉम में आए इसके कितने 80%, और जो एम कॉम में आए वो इसके आए सिर्फ और सिर्फ 55। आपको ना इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो आपके लिए रिलायबल हो, मतलब आपको लगे हाँ भाई ये ज़्यादा रिलायबल पर्सन है, किसको करेंगे, एक्स को, क्यों किया भाई, दिख रहा है साफ साफ कि हाँ भाई ये बेचारा पढ़ रहा है, वैसे नंबर कमा रहे हो लेकिन लगातार इक्वल मेहनत कर रहा है, अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, ये कभी फुल मेहनत कर रहा है, कभी है मजे ले रहा है, फिर कभी मतलब वो कर रहा है ऐसे, तो ये तो इग्नोर करेंगे आप, है ना, तो बस ये सी बी इसलिए यूज होता है प्रैक्टिकली, समझ में आ गई ना, आपने देखते ही पता लग गया कि हाँ भाई ये ठीक है पर्सन, इसकी कंसिस्टेंसी है हर चीज़ में,
लगातार आ रहे हैं। एक एक बंदा लगा मतलब एक महीने पढ़ता है, 11 महीने नहीं पढ़ता, जब एक महीने पढ़ता खूब पढ़ता है वो बढ़िया, एक थोड़ा थोड़ा जो रोज पढ़ता रहता उसका माइंड ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, यही तो बात है ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो सी वी है वो आपको यही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी देखनी है तो सिंपल सा एक चीज़ क्या लगाओगे, सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन मल्टीप्लाई 100। अब आप कैसे रिजल्ट को सिलेक्ट करोगे, अभी आपने निकाले से ए बी और आपके पास आया सी पर्सन, तो अब देखो मैं कहता हूँ कि इसकी सी वी की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, सी वी की जो वैल्यू आई वो मान लो आपकी आ गई यहाँ पर 0.9, इसकी वैल्यू आ गई 0.7 और इसकी वैल्यू आ गई 0.3। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, तो आप क्या कहेंगे, हाईएस्ट है कंसिस्ट, हाँ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं ना, इसकी तो वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है 0.9 90%, इसकी 0.3 ये परसेंटेज में आता है, ये भी बता देता हूँ मैं, जैसे इसका आएगा आप लिखोगे 90%, इसको लेगा 70% और ये आएगा आपका 30%, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई ना 100 से है, देखो है ना, तो कितना आएगा परसेंटेज में आएगा, तो इसका लिखा कि कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा है तो रिलायबल भी ये ज़्यादा है, ठीक है। वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है, तो रिलायबल नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी कम होगी, जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वो रिलायबल बन जाएगा, इनकी वैल्यू जितनी कम होगी ना उतनी अच्छी है, जितना कम वेरिएबिलिटी होगी ना उतना आपके लिए रिलायबल होगी चीज़ें, ठीक है। तो दो सीरीज में जिसकी सी वी का स्कोर कम आएगा वो बेस्ट होता है, ना कि जिसका ज़्यादा आएगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। और सी वी कैसे कैलकुलेट होगी ये भी पता लग गया, और ये क्या आपका रेलेवेंट है, ठीक है। अब ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है आपके सामने कि जिसकी वैल्यू हाइयर है ना उसकी मतलब क्या होता है, देखो जिसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू ऑफ सी वी अगर जिसकी कम होगी वो आपकी क्या होगी हाइयर, मतलब रिलायबल होगा, कंसिस्टेंट होगा, लिख रखा है कि कंसिस्टेंट इज कम्पेयर टू जिसका हाइयर वैल्यू ऑफ सी वी होगा। समझ में आ गया व्हाट इज सी वी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ सी वी, वर्ड ढूंढ लेना वेरिएबिलिटी होमोजेनिटी यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी, सीधा लगा देना सी वी लगेगा, और न्यूमेरिकली भी आ सकता है ऐसे ही मिलेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग फॉर्म में दे देंगे कि एवरेज इसका ये इसका, तो बताओ कैसे करोगे, तो आप बताएंगे, ठीक है। एक आया आपके पास लोरेंज का, ये लोरेंज ने दिया है लेकिन ये किसको दिखाता है, इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है भाई, ये कहता है कि एवरेज इनकम या एवरेज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में ये हो रखा है, जैसे इंडिया में अपने मोस्टली जो पैसा है वो क्या है, कुछ तो मतलब अपना जो पैसा है ना, जो 6% पैसा है, 94% पैसा वो 6% लोगों के पास है, हैं 94 का तो मैंने सुना है 94 ही होगा, 7 कह रहे तो आप 7 ही मान, 94 का ठीक है शायद, 94 ही है, 94% जो वेल्थ है अपनी 6% लोगों के पास है, और जो बाकी जो 6% वेल्थ है उसमें 94% लोग, बात समझ में आई आपको। तो इंडिया में ये जो गैप है इसको बोलते हैं क्या, लोरेंज कर्व, इससे किसको दिखाया जाता है, लोरेंज कर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को, अनइक्वलिटी किसको दिखाया, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है। अब बात ये आई, जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो आपकी ना अपनी इंडिया की जो एवरेज इनकम या एवरेज इनकम जो अपनी है वो है अपनी 141,000 समथिंग कुछ है इंडिया की जो है, अब इसका क्वेश्चन वहाँ के लगता है, और ये किसको काउंट करता है, 18+ एज की उसको है ना, या और जो कमा रहा है या जो एजुकेशन नहीं ले रहा हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे 141,000 रुपये ही कमा रहे हैं, एवरेज निकाला गया है। मुकेश अंबानी की इनकम 30 करोड़ रुपये तो सैलरी है मान लो, अब किसी की तो है ही नहीं, सुंदर पिचाई है उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, तो समझ गए हो गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसको कौन दिखाएगा, लोरेंज कर्व। तो छः पढ़े आपने, रेंज याद करो सबसे पहले, आज जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, रेंज, उसके बाद जो इंटर क्वार्टर रेंज बात है वहीं पे क्वार्टर डेविएशन आ जाता है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरियंस और देन लोरेंज कर्व। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ
डिस्पर्जन। अच्छे से समझ में आया?